तो भाई इनके पास में देखो भिंडी है जो कि होलसेल रेट में है 16 रुपया किलो, और कम से कम 10 किलो मिलेगा ना इधर पे, 15 किलो कम से कम। ये तरोई है ना भाई? तरोई। ये कैसा दिए? इतना बड़ा बड़ा भी आता है ये? अच्छा, इसमें वैरायटी रहता होगा अलग अलग, छोटा बड़ा है ना? तो देखो भाई ये क्या चीज़ है, ये भी वही है। अच्छा, ये कैसा दिए? 1 किलो 30 है। 1 किलो 30। तो यहाँ पर कैरी भी रखा है भाई के पास में, कैसा दिए भाई कैरी? 30 रुपए किलो। और भाई साहब देखो कैरी की क्वालिटी देखो भाई, एकदम फ्रेश है। ये कहाँ से आता है भाई वैसे? ये आता है मद्रास से। मद्रास से आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी मैं फिलहाल बैठा हूँ वासी के सब्जी मंडी के जस्ट सामने, और भाई ये कोई मामूली सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। भाई ये एक ऐसी सब्जी मंडी है जो कि मुंबई का सबसे बड़ा बोल सकते हैं सब्जी मंडी, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे मुंबई के अंदर यहीं से भाजी वगैरह सप्लाई होता है। तो अभी मैं इसके अंदर तो चलूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ तो होलसेल में अगर आप लोगों को लेना है, जैसे गोनी तरगोनी लेना है, तो आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा, सामने दिख रहा है। और अगर रिटेल में लेना है 2.5 किलो 3 किलो 1 किलो 2 किलो तो यहाँ पर मिलेगा। इस तरीके का भाई यहाँ पर ये मार्केट लगता है, तो ये एक हिसाब से इसको रिटेल बोल सकते हैं और एक हिसाब से उसको पक्का पूरा होलसेल बोल सकते हैं। तो वहाँ पर भी चलेंगे, आप लोग को दिखाएंगे वहाँ का किस तरीके का माहौल है, और यहाँ पर भी अंदर भी चलेंगे, आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके का यहाँ का माहौल है। वैसे आप लोगों ने तो इसके पहले देखा ही होगा कि फ्रूट मंडी किस तरीके से रहता है, नॉर्मल अपने एरिया में देखा होगा, लेकिन भाई ये है मुंबई पे, मतलब पूरे मुंबई पे जो राज करने वाली सब्जी मंडी है ना, हर गली गली कोने कोने में जहाँ पर आप लोग एक मिर्ची लेते हैं ना, यहीं से जाता है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर लोगों की लाइफ रहती है, कैसे सब्जी बेचने वाले भाई जो 2-2, 4-4 रुपए के लिए काम करते हैं, वैसे यहाँ पर हमारे लोग भी काम करते हैं। मतलब इस मंडी में बहुत सारे लोगों का कारोबार चलता है, तब जाके ये मंडी हम जैसे लोगों के घरों तक सब्जी पहुँचा पाती है। तो वो सारी चीज़ देखेंगे और आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएंगे। भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, एंड तक बने रहना। तो चलेंगे अभी, पहले बाहर बाहर से घूमते हैं फिर अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का माहौल कैसा है पूरा। तो भाई लोग अभी जस्ट मैं आया हूँ मार्केट के अंदर, ये है पूरा होलसेल मार्केट। यहाँ पर आप लोगों को 10 किलो के नीचे कोई भी आइटम नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखो इस तरीके से जो हमारे लोग रहते हैं भाई, वो खाली करते हैं और ऐसे देखो लेके भागते हैं, जो कि भाई ये लोग रात के 2 बजे से यहाँ पर आते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जाके ये भाजी अपने घरों तक, मतलब हम जैसे लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं। वैसे देखेंगे ना बहुत सारी यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं भाई, तो इस तरीके से भाई यहाँ की जीवन है, पूरी ज़िंदगी है। वैसे मैं आप लोगों को अभी रेट वगैरह भी बताऊंगा कि क्या रेट है। और बहुत सारी भाजी जैसे भिंडी देखो, यहाँ पर बंडल वगैरह बना के रखते हैं। भिंडी वगैरह कैसा दिए भाई? 16 रुपया। अच्छा, तो देखो यहाँ पर भाई ये 16 रुपया किलो बेच। अच्छा, जैसे यहाँ मार्केट का सिस्टम बता दो, जैसे अगर कोई आए लेना चाहे तो उसको कम से कम कितना मिलेगा? ये उतना मिल जाएगा। अच्छा, 1-2 किलो भी मिल जाएगा? 1-2 किलो मिलता। अच्छा, उस मार्केट में मिलेगा? होलसेल मार्केट। अच्छा, होलसेल मार्केट। आपके पास में क्या क्या है अभी फिलहाल? खाली भिंडी ओनली। खाली भिंडी है। तो भाई इनके पास में देखो भिंडी है जो कि होलसेल रेट में है 16 रुपया किलो, और कम से कम 10 किलो मिलेगा ना इधर पे? 15 किलो कम से कम। ये जो बंडल है ये कितने किलो का है? 15 किलो का बंडल है। अच्छा, ये पैकिंग है, ऐसे ही आता है? और जैसे अगर किसी को कैरेट में डाल के चाहिए रहेगा तो 30-40 किलो लेने वाला है तो ये कैरेट में। अच्छा, कैरेट में आ जाएगा 30-40 किलो। तो भाई देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को भिंडी चाहिए भाई तो इस मार्केट में आ जाओ, बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। वैसे भाई एक बात और जानना था मुझे, ये रेट रोज का है कि कम ज़्यादा होते रहे? कम ज़्यादा होते। अच्छा, कम ज़्यादा होते रहते हैं? अच्छा, कभी 10 रुपया भी हो सकता है, कभी 50 भी हो सकता है? अच्छा, मतलब ये हर मार्केट का सिस्टम रहता है? अच्छा, हर आइटम का। अच्छा ठीक है। तो भाई ये शेयर बाजार के ऊपर रहता है पूरा, जैसे कभी कम कभी ज़्यादा तो लगा रहता है। वैसे यहाँ पर कद्दू वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का रेट वगैरह मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखो यहाँ पर ये गवार वगैरह रखा है ऐसे, मतलब यहाँ पर देखेंगे ये रखा हुआ। आपका है भाई ये? आपका है? कैसा दिए? ये 32 रुपये। ये क्या है? घेवड़ा है। घेवड़ा है 32 रुपये किलो है, और कम से कम कितना मिलेगा? कम से कम 10 किलो। तो भाई देखो ये घेवड़ा है और अच्छे क्वालिटी, एकदम फ्रेश रहता होगा ना? ये कहाँ से आता है भाई वैसे? ये नासिक से आता है। नासिक से आता है ना? और ये रोज का रेट है कि मतलब कम ज़्यादा होता रहता है? रोज का रेट है। अच्छा, कम ज़्यादा भी होता रहता है। अच्छा, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा? कम से कम कितना होता है? और 16-18 ऐसा? और ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से 500 में भी जाता है? अरे बाप रे। तो भाई और ये सब वही है ना, एक ही चीज़ है ना? घेवड़ा है। ये कैसा है? ये कैसा है ये?
अभी फिलहाल 30 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा, ये 30 रुपये किलो बिक रहा है और वो 32 रुपये किलो बिक रहा है। तो भाई देखो, ये 30 रुपये कम से कम आप लोगों को 10 किलो मिलेगा, है ना। तो भाई 10 किलो चाहिए तो यहाँ पर आ जाओ। वैसे आपके पास में और कुछ है? हमारे पास फरसी रहता है, लौकी रहता है। अच्छा अच्छा, वो सब कैसे क्या रेट है? लौकी 16 रुपये किलो। अच्छा अच्छा, लौकी 16 रुपये। वो कद्दू भी आपका है? वो कैसा है? 14 रुपये किलो, 12 रुपये किलो। अच्छा, 14 रुपये 12 रुपये किलो। वो सिंगल भी मिल जाएगा अगर किसी को चाहिए रहेगा तो? वो सिंगल नहीं मिलता, उसका बोरी का पैकेट। अच्छा, पूरा बंडल लेना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर आप होलसेल है ना? अच्छा, ये पूरा होलसेल है। अगर जैसे किसी को एक दो लेना रहेगा तो वो कहाँ मिलेगा? वो आपको सामने वाली। अच्छा, वो जो सामने वाली मार्केट है उधर जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपने जानकारी दिया। तो भाई देखो, यहाँ पर इनके पास में कद्दू वगैरह भी रखा हुआ है जो कि हाँ सब है। तो देखो भाई, यहाँ पर ये कैसा दिए भाई? 30 रुपये किलो गवार है। अच्छा अच्छा, 80 रुपये से लेके 30 रुपये 30 रुपये किलो है। अच्छा, किधर है? एक साल पहले वो बोले ना, अभी कहाँ गए वो? अच्छा, 30 रुपये किलो। अच्छा, 30 रुपये किलो है अभी। ये कम ज्यादा होते रहता है ना। अच्छा, तो भाई देखो, गवार की क्वालिटी देखो भाई आप लोग। हाँ, गवार है भाई, क्वालिटी देखो आप लोग, आके यहाँ पर ले सकते हैं। 30 रुपये किलो है। वैसे ये रेट भाई रोज का नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा लगा रहता है। तो यहाँ पर आके आप लोग रेट वगैरह निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखेंगे भिंडी वगैरह रखा हुआ। कैसा दिए भिंडी? कैसा दिए? 24 रुपये 22 रुपये। अच्छा, 24 रुपये 22 रुपये किलो है। ये कम से कम पूरा बंडल लेना पड़ेगा, है ना। देखो भाई, कितने किलो का है ये? 15 किलो का है। तो भाई देखो, 15 किलो का कितने का आएगा? 15 किलो 15 किलो आपका 340 रुपये के आसपास में आएगा। तो भाई देखो, डिस्काउंट वगैरह हो जाता है? डिस्काउंट नहीं है मार्केट में। अच्छा अच्छा, ये पूरा होलसेल रेट है ना। हाँ, तो भाई ये पूरी की पूरी मार्केट होलसेल है। वैसे रिटेल आप लोगों को दिखाता हूँ आगे के साइड में। तो चलो, थोड़ा सा आप लोगों को रिटेल मार्केट जो है उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को भाव दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कैरी भी रखा है भाई के पास में। कैसा दिए भाई कैरी? 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। और भाई साहब देखो, कैरी की क्वालिटी देखो भाई, एकदम फ्रेश है। ये कहाँ से आता है भाई? वैसे ये आता है मद्रास से। मद्रास से आता है। तो देखो भाई, पका हुआ नहीं मिलेगा? पका नहीं है, कच्चा। अच्छा, फ्रूट मार्केट उधर है ना। तो भाई ये होलसेल रेट है पूरा? होलसेल। कम नहीं करोगे जैसे? अच्छा, रोज का रेट है कि कम ज्यादा होते रहता है? होता है कम ज्यादा। अच्छा, कम ज्यादा होते रहता है। तो भाई ये कितने केजी का है? 30 केजी का है। और कितना रुपया किलो बोले? 30 रुपये किलो। 30 केजी का, यानी कि 300 कितना? 900 रुपये का हो गया। 900 रुपये का हो गया पूरा। कम से कम कितना मिल जाएगा अगर? कम से कम इधर 26 रुपये तक मिल जाएगा। नहीं नहीं, मतलब किलो कितना किलो कम से कम दे दे, पूरा ये लेना पड़ेगा? पूरा, इससे कम नहीं आता। इससे कम नहीं आता है। तो भाई देखो, 30 किलो आप लोगों को कम से कम लेना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेगा। वैसे यहाँ पर ये गोभी किसका है? आपका है। कैसे दिए? तो भाई इधर से आता हूँ मैं आप लोगों को। बैगन वगैरह भी देखो, मस्त क्वालिटी में बैगन है। ये सारी चीज़ों का रेट वगैरह बताता हूँ। तो ये मिर्ची का रेट बता दो जरा। मिर्ची 50 से 60 रुपये। अच्छा भाई, ये कौन सी मिर्ची है? सफ़ेद मिर्ची। सफ़ेद? अच्छा, सफ़ेद मिर्ची है। तो देखो भाई, ये सफ़ेद मिर्ची है। कम से कम कितना लेना पड़ेगा? पूरा लेना पड़ेगा। अच्छा, ये पूरा लेना पड़ेगा। ये होलसेल रेट है इधर? होलसेल। अच्छा, कम मतलब 2-2.5 किलो ऐसा नहीं मिलता इधर? अच्छा अच्छा। और ये बैगन कैसा दिए? बैगन 20 रुपये 22। 20 रुपये 22। कम से कम पूरा कैरेट लेना पड़ेगा कि 10 किलो? नहीं, 10 किलो नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, 20 किलो 25 किलो मिलेगा। और ये गोभी भी आपका ही है? ये कैसा दिए? ये बिक रहा है 12 रुपये 100 रुपये। अच्छा अच्छा, फोटो आना मत। हाँ, फोटो आ रहा है ना, फोटो सबका आएगा भाई, टेंशन मत। ये कितने का? 12 रुपया 12 रुपये 100 रुपये के जी। 12 रुपया और 10 रुपये 10 रुपये 12 रुपया 10 रुपये के जी है भाई। कम से कम पूरा लेना पड़ेगा। एक गोनी अगर पूरा लोगे तो मिलेगा। वैसे रिटेल में अगर किसी को चाहिए रहेगा तो? नहीं है रिटेल, पूरा होलसेल है। रिटेल में चाहिए रहेगा तो वो सामने है ना, रिटेल का अलग, उसका अलग रेट रहता है ना। यहाँ से कितना फर्क रहता होगा वैसे? यहाँ से 10 रुपये का 15 रुपये का फर्क। अच्छा, 10-15 रुपये का फर्क रहता है। वो जैसे हमाल उमाल लेके जाते हैं तो उनका सब मिला के उतना हो जाता है। तो भाई देखो, ये पूरा होलसेल है। और मैं आप लोगों को अभी चलूँगा थोड़ा सा आगे चल के, आप लोगों को रिटेल दिखाऊँगा उसका क्या रेट वगैरह। वैसे भाई बता रहे कि 10-15 रुपये का फ़र्क है। बैगन वगैरह सारी चीज़ों का रेट बता दिया मैं। तो भाई अभी चलता हूँ डायरेक्ट अभी रिटेल मार्केट में, वहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा रहेगा। तो भाई लोग, अभी मैं घूम रहा था वहाँ पे अपना होलसेल मार्केट में, और अभी मैं जस्ट यहाँ पे रिटेल मार्केट में आया हूँ। तो यहाँ पे रिटेल का भी भाव निकलते हैं। भाई टमाटर कैसा दिए भाई? 50 रुपये 50 रुपये किलो।
ढाई किलो। अच्छा ढाई किलो, 50 रुपए का ढाई किलो है। अच्छा ये रिटेल मार्केट है ना? अच्छा तो ये रिटेल मार्केट है ना भाई, ये पूरा रिटेल रेट है ना? अच्छा यहाँ पे कम से कम ढाई किलो लेना पड़ेगा है ना? और जैसे वहाँ पे मैं देखा तो वहाँ पे कम से कम 15-10 किलो लेना पड़ता है, तो यहाँ पे ढाई किलो मिल जाएगा। वहाँ से यहाँ में कितना फर्क रहता है रेट में? वैसे 6-7 रुपए का फर्क रहता है। तो भाई देखो यहाँ पर गाजर कैसा दिए वैसे? 24 रुपए किलो। ढाई किलो कितने का आएगा? वही 60 रुपए का ढाई किलो आएगा। तो देखो भाई यहाँ पर ये गाजर, ये कौन सा गाजर है वैसे? ये जोधपुरी। तो भाई देखो ये जोधपुर का गाजर है। अरे जौन नहीं है, जोधपुर। जोधपुर ही बोल रहा हूँ मैं, जोधपुर राजस्थान। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं भी। मेरा MDS पाक ब्लॉग चैनल है, यूट्यूब पे आएगा MDS पाक ब्लॉग। वैसे ये करेला किसका है आपका है? अच्छा ये करेला मुझे एकदम अनोखा दिखा, ये व्हाइट करेला है ना? ये कहाँ से आता है वैसे? ये आता है नासिक। नासिक से आता है। ये अलग जाति का होता है कि यही रहता है, कच्चा रह जाता है? ये व्हाइट है, कच्चा दोनों है। अच्छा दोनों कच्चा है, मतलब ये व्हाइट ऐसे जाति इसकी होती है कि ऐसा होती है? अच्छा ये जात अलग है, वो हरा अलग होता है। ये कैसा दिए? ये 70 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। अच्छा ये 70 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। और किलो किलो भी मिल जाता है इधर? अच्छा जैसे खाली किसी को किलो में चाहिए रहेगा तो वो भी मिल जाएगा, रिटेल के भाव में मिलेगा फिर? अच्छा अच्छा। और ढाई किलो लेंगे तो कुछ कम होएगा? 180। और रेट रोज का है कि कम ज़्यादा होते रहता है? कम ज़्यादा होते रहता है। अच्छा अच्छा। और ये बैगन? बैगन 40 रुपये। 40 रुपये का किलो है? 100 रुपये ढाई किलो। अच्छा 100 रुपये का ढाई किलो बैगन है, जो कि भाई यहाँ पर जो भी भाजी आप लोग लेने आएंगे ना एकदम फ्रेश मिलेगा, तुरंत गाड़ी से उतरता है, तुरंत ख़त्म हो जाता होगा यहाँ, है ना? रखने वाला सिस्टम नहीं है। और ये किसका है? अरबी। अच्छा उनका है। तो यहाँ पर देखो अरबी है, कैरी है, और उसके बाद में यहाँ पर ये है, बैगन है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। भाई नींबू भी बेच रहे हैं, कैसा दिए भाई नींबू? नींबू बड़ा नींबू 6 रुपये का है। अच्छा बड़ा नींबू 6 रुपये का है। वैसे 10 का जैसे 6-7 वैसा नहीं है सिस्टम? एक डजन 70 है, 70 रुपये का है। अच्छा ये वाला जो आप लिए हो हाथ में, एक डजन 70 रुपये का है। एक डजन 70 रुपये का, यानी कि 12 पीस आएगा। और ये छोटा वाला? ये एक डजन 50 रुपये का है, 4 रुपये पीस है वो। कम से कम कितना लेना पड़ेगा अगर कोई आएगा तो? आप जितना चाहिए उतना ले दे। अच्छा एक दो भी? अच्छा एक दो भी मिल जाएगा, मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर देखो भाई मतलब ये रिटेल सिस्टम है, तो भाई यहाँ पर जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। और यहाँ पर भाई ये तरोई बेच रहे हैं, इनसे भी थोड़ा सा रेट वगैरह पूछ। ये तरोई है ना भाई? तरोई। ये कैसा दिए? इतना बड़ा बड़ा भी आता है ये? अच्छा इसमें वैरायटी रहता होगा अलग अलग, छोटा बड़ा है ना? तो देखो भाई ये क्या चीज़ है, ये भी वही है। अच्छा ये कैसा दिए? 1 किलो 30। और कम से कम 1 किलो भी? अच्छा कितना भी ले सकते हैं। और यहाँ पर भाई के पास में बैगन भी रखा हुआ, ये कैसा दिए? 1 किलो 30। अच्छा यहाँ पे देखो अलग अलग कलर का बैगन है, तो ये सबका रेट अलग अलग है कि एक ही है? 30 ही रुपये। तो देखो भाई ग्रीन बैगन भी है, पर्पल भी है, उसके बाद ब्लैक भी है, मतलब हर कलर का है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा अच्छा। तो देखो यहाँ पर रखा हुआ है, और ये इसका देखो वो भजिया वगैरह बनता है ना, वही है? परवर है। अच्छा ये बड़ा वाला परवर है? तो भाई देखो इतना बड़ा परवर मैं पहली बार देख रहा हूँ, सही में बता रहा हूँ यार। और देखो यहाँ पर सैफ भाई भी लिए हैं, सांप के जैसा परवर है ये। बाकी यहाँ पर देखो गाजर दिखा दिया, और मतलब ये रिटेल रेट है ये सारी चीज़ें, गोभी वगैरह भी रखा हुआ है। भाई यहाँ पर मैं आया था होलसेल मार्केट में, तो यहाँ पर भाई कैरी वगैरह बेच रहे हैं। हाँ। क्या नाम है सबसे पहले अपना नाम बता दो? दीपक कुमार गुप्ता। तो यहाँ पर भाई इनके पास में कैरी मिल रहा है, ये कौन सा कैरी है वैसे? तोतापुरी है। ये कैसा दिए रेट? 100 रुपये 2.5 किलो। 100 रुपये का ढाई किलो। कम से कम अगर 1 किलो किसी को चाहिए रहेगा तो मिल जाएगा? मिल जाएगा। उसका रेट ज़्यादा रहेगा कि वही रेट? सेम भाव। अच्छा सेम भाव में मिल जाएगा। इनके पास में भिंडी भी है, भिंडी कैसे दिए? भिंडी भी 40 रुपये किलो है। अच्छा भिंडी 40 रुपये किलो। सबका अलग अलग रेट है कि सेम है? नहीं नहीं जो रेट है वही बोलो। 32-36। अच्छा 32। तो भाई 32 रुपया रेट है। देखो कम से कम कितना लेना पड़ेगा? आधा किलो मिलेगा आपको यहाँ? हाँ बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है भाई पूरे मार्केट में। भाई आप लोग आ जाओ, सारी चीज़ें ये अलग अलग दिख रहा है ना कि सेम है? सेम है। अच्छा ये भी सेम है। तो देखो भाई और ये बटाना कैसा दिए? 40 रुपये किलो। 56 रुपये किलो। 56 रुपये किलो है।
तो देखो भाई यहाँ पे वटाना आप लोगों को 56 रुपए किलो में मिल जाएगा। वो क्या चीज़ है भाई? 40 रुपए किलो है ये, 40 रुपए किलो है। और उधर पे ये जो रखा हुआ है ये सब अपना ही है? ये कैसे दिए? अच्छा ये सब 40 रुपए है। अच्छा वहाँ पे वो वाला वटाना 50 रुपए किलो, वो 50 रुपए किलो, ये 56 रुपए किलो है भाई। तो बहुत ज्यादा सस्ता है। और ये रोज का रेट होगा ना? कम ज्यादा अभी यही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। बाद में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वीडियो आप लोग कब देख रहे हो, आके आप लोग रेट यहाँ पर निकाल सकते हैं। वैसे गाजर है, ये कौन सा गाजर है भाई? ये वाला इंदौरी है। ये कैसा दिए? 80 रुपए का ढाई किलो, 32 रुपए किलो, 80 रुपए का ढाई किलो। तो भाई ये भी सस्ता ही है आप लोगों का। अदरक किसका है? 100 रुपए। अच्छा 100 रुपए, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो है भाई अदरक। तो वो भी सस्ता ही है। तो आप लोग आके जरूर यहाँ पर एक बार विजिट करना, जो भी चाहिए रहेगा। वैसे अगर कहीं बाहर से कोई मंगवाना चाहे, जैसे अपना मुंबई, मतलब यहाँ से वासी से दूर कुर्ला हो गया, बैंड्रा हो गया, तो वहाँ भेज देते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में माल चाहिए तो पेमेंट पहले चाहिए, और ज़्यादा रहेगा तो भेज देंगे। तो भाई अगर आप लोगों को डिलीवरी चाहिए तो पेमेंट पहले करना पड़ेगा, मिल जाएगा। बाकी चलते हैं अभी बाहर, देखते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे भाई भाजी वगैरह अपने कैसे मिलता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।